ऑल राइट दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट होता क्या है आइए देखते हैं। देखिए, एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी असाइन टू अ पर्सन, किसी पर्सन को अगर दी जाती है बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा अंडर एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के अंदर, और रूल ऑफ सर्विस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों इसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी एक्टिविटी जो कि अगर किसी एक आदमी को दी जा रही है उसके बॉस के द्वारा, एम्प्लॉयर में, जो कि एम्प्लॉयर मतलब होता है जिसने आपको नौकरी दी है, ठीक है। तो यह ऑफिस वगैरह में काम करेंगे तो वहाँ पे आपका बॉस होगा ना, कोई किसी को आपको रिपोर्ट करना होता है। तो अगर आपका बॉस कोई, मान लीजिए, आपको कोई एक्टिविटी देता है काम करने के लिए, कोई काम देता है, जैसे अगर आप जो है होता क्या है, जो है एमएनसी वमएनसी में जाएंगे, जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब होती है, तो वहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि इतने साल तक इससे मैं मिनिमम इतना ही आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर उससे पहले अगर छोड़ चले जाते हैं आप कंपनी, तो वो लोग आपसे बहुत ज्यादा मैं पैसा का वो करते हैं, मैं एक तरह से आपके ऊपर वो लगा देंगे। तो उससे जब आप नौकरी मतलब ज्वाइन करेंगे तभी आपसे वो उस पर साइन करा लिया जाता है कि अच्छा आप मिनिमम 3 साल इस कंपनी में रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो ना कि आप जाएं वहां पे और 1-2 महीने काम करके छोड़ कर चले जाए दूसरे कंपनी में, इससे उनका घाटा होता है। तो इस वजह से वो लोग अपना एग्रीमेंट करा लेते हैं, आपको मतलब रहना पड़ता है। तो वही है दिया हुआ है, कोई एक्टिविटी अगर किसी पर्सन को असाइन की जाती है किसी एग्रीमेंट के अंदर या कोई रूल ऑफ सर्विस है, उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। पर्सन हु अंडरटेक सच एक्टिविटी इज कॉल्ड एम्प्लॉय। तो अगर जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉय कहा जाएगा, जो एक्टिविटी करता है, काम करता है, उसको हम लोग एम्प्लॉय कहते हैं, ठीक है। और परफॉर्मिंग सच एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए द एम्प्लॉय रिसीव रेमुनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी अलाउंस बोनस ईटीसी। तो इसमें वही चीज दी जाएगी। तो इस तरह के काम करने के लिए आपको कोई भी, जो है आपका बॉस कोई आपको काम देता है, आप कंप्लीट करते हैं, उसको रिपोर्ट देते हैं, उसके बदले में आपका बॉस जो है, या फिर उनके भी उससे भी ऊपर कोई बॉस होगा, तो वो जो होगा वो आपको एक रेमुनेशन के तौर पे सैलरी देगा या वेज देगा, उसके साथ साथ अलाउंस बोनस भी देता है अगर आप अच्छा काम करेंगे। तो होता नहीं है एमएनसी वगैरह में जो है इंजीनियरिंग का जॉब करेंगे आप लोग आगे जाके, तो वहाँ पे मिलता है। आपके बॉस ने बोला था कि जो है आपको 15 दिन में करना है, आप 10 ही दिन में कंप्लीट कर दे दिए, तो इन सब जगहों पे बॉस आपका खुश हो जाएगा और आपको क्या करेगा, आपको बोनस भी देगा, सैलरी वगैरह तो मिलेगी ही। तो ये चीज होती है। द एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस। तो एम्प्लॉयमेंट को हम लोग सर्विस भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, जैसे कि फैक्ट्री में काम करना, ऑफिस में काम करना, होटल में काम करना, कॉलेज में काम करना, ETC, इस तरह के देयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सारे एग्जांपल हैं एम्प्लॉयमेंट के, फिर सर्विस के। इवन प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन आल्सो वर्क एज एम्प्लॉयज इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो वो भी एक तरह से कहाँ काम करता है, एम्प्लॉय की तरह काम करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, हम लोग बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया है डॉक्टर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल। तो एक डॉक्टर जो होता है या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। इंजीनियर, जैसे मैंने पहले बताया, एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में, इस तरह के एग्जांपल है, ठीक है। ऑल्दो बिजनेस प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। तो इसमें यह दिया गया है कि बिजनेस और प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों अलग अलग है, मतलब की बिजनेस अलग है, प्रोफेशन भी अलग है और एम्प्लॉयमेंट भी अलग है, ये मतलब की तीनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी ये लोग तीनों जो है इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है अपने में, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया हो। ये तीनों अलग भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। बिजनेस इंटरप्राइजेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। तो बिजनेस इंटरप्राइजेस जो होती है वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कंट्री में अपने जॉब देती है, ठीक है। सिमिलरली प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट, डॉक्टर, ईटीसी वर्क इन द बिजनेस। इसी तरह से जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियर हो गए, सीए हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गए, एक्सपर्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सब भी एक तरह से बिजनेस में ही काम करना है, ठीक है। फर्म फॉर टैकलिंग कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम। दस द बिजनेस इंटरप्राइज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू प्रोफेशनल एंड जनरल पब्लिक। तो इस वजह से जो बिजनेस इंटरप्राइज है वो एक तरह से प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोफेशनल को और जनरल पब्लिक को, ठीक है। एट द सेम टाइम द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन इट्स एम्प्लॉयज एंड प्रोफेशनल्स वर्किंग विथ इट। तो इसमें यह दिया हुआ कि जो किसी भी बिजनेस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है कि उसके एम्प्लॉय या फिर उसके अंदर जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो काम कैसे कर रहे हैं। अगर बिजनेस को सक्सेस होना है तो ये बहुत ही जरूरी है कि उस कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहा है वो मेहनती हो, सच्चाई, ईमानदारी से काम करता हो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पॉइंट नंबर 3, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है ये देखते हैं। देखिए,
यू हैव लर्न दैट द इंटायर रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बींग कुड बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है कि हमारा जो इंटायर रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं तीन भागों में, कौन कौन से, जैसे कि बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। ये तीनों ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है। एमंग दीज थ्री कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में से प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट जो है टू इम्पोर्टेंट आर आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। उसमें ये दिया हुआ कि जो आपके कोर्स के हिसाब से प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके मतलब कोर्स में नहीं दिया है। बेसिकली ये दिया हुआ कि अभी ये चीज आपके कोर्स में नहीं दिया है। वी आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द बिजनेस, हमारा इसमें ये कह रहे हैं कि कंसर्न मेन जो है बिजनेस है, यानी कि हम लोग इस मतलब की चैप्टर में या आगे बुक में भी हम लोग सिर्फ बिजनेस के ही बारे में पढ़ेंगे, बाकी प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इन सब चीजों के बारे में आगे अगले सेमेस्टर में, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आपको दिया हो। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट बिजनेस इन मोर डिटेल, तो आइए डिस्कस करते हैं बिजनेस को और ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है एसेंशियल फीचर्स ऑफ द बिजनेस। तो एसेंशियल फीचर क्या होता है बिजनेस है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, यू हैव लर्न दैट बिजनेस रिफर टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, हम लोगों ने यह चीज सीख लिया है कि बिजनेस किससे रिफर किया जाता है, एक ह्यूमन एक्टिविटीज इंगेज इन प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड एंड सर्विसेज कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उसमें यह चीज दिया हुआ है कि हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है कि बिजनेस किससे रिफर किया जाता है, कोई भी एक ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें हम लोग कोई प्रोडक्शन का काम कर रहे हो या फिर कोई एक्सचेंज कर रहे हो। जैसे एक्सचेंज में क्या कर रहे हो कि जैसे आपको किसी चीज की जरूरत है और मेरे पास वो चीज है तो मैं आपसे पैसा लूंगा, तो पैसा एक्सचेंज के बदले लूंगा और आपको वो सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो वही चीज यहाँ दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड एंड सर्विसेज कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और मेरा इंटेंशन क्या है, जैसे मैं कंपनी हूँ तो मेरा इंटेंशन यही रहेगा ना कि मैं ये थोड़ी ना चाहूंगा कि भाई ये मेरा घाटा हो, घाटा हो, घाटा होगा तो फिर कैसे चलेगा मेरी कंपनी। तो मेरा इंटेंशन होना चाहिए मैं कम से कम प्रॉफिट मतलब कि कमाऊं उससे जो बिजनेस है सर्विस आपको दे रहा हूं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस के। वी कैन लिस्ट द फॉलोइंग फाइव ब्रॉड फीचर ऑफ बिजनेस, आइए देखते हैं कौन से पांच ब्रॉड फीचर है बिजनेस के। तो सबसे पहला है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेस में जो है हमको क्या होता है डील करना होता है गुड और सर्विसेज के। ठीक है, बिजनेस डील विथ गुड्स एंड सर्विसेज, वही चीज दी है कि बिजनेस डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज में। द गुड्स मे बी कंसीडर्ड गुड्स सच एज स्वीट्स, ब्रेड, क्लॉथ, शूज इटीसी। तो गुड्स में क्या आ जाएगा, गुड्स में आ जाएगा जैसे कि कंज्यूमर गुड, जैसे कि स्वीट्स हो गया, जैसे स्वीट्स क्या हो गया, मिठाई वगैरह हो गई, ब्रेड हो गया, जो ब्रेड मिलता है आप लोग जानते होंगे, ब्रेड तो खाते होंगे आप लोग सुबह, क्लॉथ हो गया ये भी एक तरह से गुड्स में आता है। ठीक है, कपड़ा जो पहनते हैं, शूज हो गया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, शूज ले लीजिए, कोई भी और चीज ले लीजिए, पैंट वगैरह या फिर इस तरह के कोई भी सामान जो है, ये सब इस तरह के सामान गुड्स में आता है। ठीक है, दे मे बी प्रोड्यूसर्स गुड सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट इटीसी। तो ये सब क्या हो सकते हैं, एक प्रोड्यूसर्स गुड भी हो सकते हैं जैसे कि एक कोई मशीन हो गया या इक्विपमेंट कोई हो गया। ठीक है, विच आर यूज टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स फॉर कंजप्शन, तो ये समझ में आ गया होगा, ये सब चीजें क्या होती हैं, जो होती ये सब होती हैं विच आर यूज टू प्रोड्यूस, ये यूज होती है प्रोड्यूस करने के लिए फर्दर गुड्स मतलब और ज्यादा गुड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, जैसे कोई मशीन से हम लोग कपड़ा बना रहे हैं, टी शर्ट बना रहे हैं। ठीक है, बिजनेस ऑल्सो डील विद द सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस इटीसी। बिजनेस जो होती है वो और भी तरह के सर्विसेज में डील करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे बस वगैरह चलती है, मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाए, कोई बस है, मैं अपना 10-12 बस खरीद लेता हूँ और अलग अलग शहरों में चलाता हूँ, तो क्या हो गया मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो गया। वेयर हाउसिंग, जैसे कि सामान रखा जाता है जो ढेर ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा सामान रखा जाता है। ठीक है, तो ये वेयर हाउसेस हो गए, बैंकिंग हो गया, बैंक का भी होता है, जैसे प्राइवेट बैंक जो होती है वो भी एक तरह बिजनेस करती है। इंश्योरेंस का हो गया, पॉलिसी LIC का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग इंश्योरेंस आ गए, इस तरह के जो होती है विच आर इंटेंजिबल एंड इनविजुअल गुड्स। तो इस तरह के जो गुड्स हैं ये इंटेंजिबल हैं और इनविजुअल हैं।